Now I would request Mr. Manoj Rastogi to give his enlightening words. Thank you. हिंदी के एक बड़े मशहूर कवि हैं दुष्यंत कुमार। उनका एक शेर है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यार। दुष्यंत की कविता मुझे बहुत, ये शेर मुझे बहुत प्रिय है, मैं अपने जीवन में हमेशा इसको उतारने की कोशिश करता हूँ। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, जब उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि दुष्यंत में ये शेर, कि दुष्यंत का ये शेर, इसकी जो भावना है ये पूरी उनकी उपलब्धियों में साकार है। बांग्लादेश में जन्म, भारत में पहुंचे 46 में देवघर में, आसपास की स्थिति को देखा, मैट्रिक तक नहीं पढ़ पाए लेकिन ज्ञान इतना कि सैकड़ों किताबें लोग रिसर्च कर रहे हैं। और दी क्या चीज कि अपने वक्त और अपने समाज, उनकी चुनौतियों को, उनका समाधान कैसे ढूंढे, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें श्री ठाकुर ने कही हैं, दी हैं कि मैं उनके बारे में टिप्पणी करूं, मैं उनके बारे में कोई चर्चा करूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। इतने बड़े महान लोग यहाँ मौजूद हैं, सबका जीवन, सबका काम, मेरी उम्र और मेरे अनुभव से सैकड़ों बड़ा, सैकड़ों ज्यादा। मैं पत्रकार हूँ, कोई 15-20 साल अखबारों में काम किया, चैनलों में काम किया, अब कोशिश कर रहा हूं कि अपने सामाजिक सरोकारों और आजीविका, इनके बीच में एक संतुलन बना लूं, क्योंकि हमारे दौर का जो मीडिया है उसमें मुझे अपनी जगह दिखाई नहीं दी। जीवन शुरू किया सामाजिक जीवन, बाल मजदूरों के बीच में काम करने के लिए, वहां से पत्रकारिता में पहुंचा, फिर चैनलों में पहुंचा और अब इंडियन CSR नेटवर्क नाम की एक संस्था चला रहा हूं, जिसके तहत कोशिश है कि जमीन पे जो काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसके बीच में एक पुल के रूप में हम काम करें और अपने सामाजिक सरोकारों को निभाएं। तो ये जो टॉपिक है, रियलाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रस कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट। टू मी, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमी एट ऑल, बट मेरी समझ है थोड़ी बहुत। आज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डीजल, प्याज, ये वो चीजें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं। तो मेरी समझ में आज की जो इकोनॉमी है वो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें जो हमें प्रेरित करें कि हम समाज और उसकी जरूरतों, उसकी चुनौतियों का समाधान ढूंढें, उसका रास्ता नहीं दिखाती। कहीं तो कुछ गलती है, कहीं तो कुछ कमी है। मुझे, मैंने पढ़ा अभी के अनुकूल चंद्र जी, उनके अनुयायियों की संख्या, उनके डिसाइपल्स की संख्या कोई 14 करोड़ है और इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी प्रैक्टिकल विजडम है, मौजूद है उनको रास्ता दिखाने के लिए, करने के लिए। तो एक सवाल मेरे जहन में है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि इतनी सारी चीज़ें, सारे मैनुअल्स उनके मौजूद हैं, एक एक चीज़ के बारे में उन्होंने इतना प्रैक्टिकली बताया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री के बारे में हो, चाहे वो डे टू डे लाइफ के और चीज़ों के बारे में हो, सबके बारे में उनके जीवन का खुद का निचोड़ है। एक एक चीज़ सूखती नहीं है, वो चीज़ें हैं जो हम रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो करते हैं। फिर क्यों है, क्या दिक्कत क्या है कि हमारे इकोनॉमिस्ट, हमारे देश की इकोनॉमी उस चीज़ों को नहीं ढूंढ पा रही है?
हम वो रास्ता नहीं तलाश कर पा रहे, तो कहीं तो खामी है। मैनुअल हमारे पास मौजूद है श्री श्री रविचंद्र अनुकूल चंद्र ठाकुर का, और हमारे पास कुंडू साहब जैसे दिमाग है, हमारे पास प्लानर्स है, हमारे पास ये इतने डायनेमिक हमारे पॉल साहब मौजूद है। मैं जब यहाँ आया, जब मैं मिला आपके लोगों से, तो पूरी टीम को देख के दंग रह गया। इतनी जबरदस्त एनर्जी, इतना विश्वास, इतना कमिटमेंट, इतनी 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 निष्ठा, फिर क्या दिक्कत, अमल क्यों नहीं हो रहा? हम उन नीतियों पर अमल क्यों नहीं कर पा रहे जो नीतियां, जो मैनुअल हमारे पास मौजूद है? तो केवल महिमा मंडन करना काफी नहीं है, उनकी नीतियों को आज के कंटेम्पररी वर्ल्ड में हम कैसे इंप्लीमेंट करें, शायद चुनौती ये है। कैसे उनको इस्तेमाल करें, जो उन्होंने कहा उस पर कोई बोल सकता है, उस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है? 110 साल पहले ये सोचना अद्भुत। तो मुझे लगता है कि हमें शायद हमारे जो साथी, जो विद्वान, जो सब लोग यहाँ अलग अलग सेशंस में यहाँ हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये रास्ता ज़रूर ढूंढेंगे अपने विचार मंथन में, अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग में। बहुत अच्छे पैनल सब्जेक्ट पे डिस्कशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात आनी चाहिए कि कैसे हम श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर की नीतियों को आज के दौर में इस्तेमाल करें, उसको आज की नीतियों में इम्प्लीमेंट कराएं। एक और व्यक्तिगत चीज़ मैं शेयर करूंगा, मेरे लिए तो बड़ा ये परिवर्तनकारी है। हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का टूर, जिसमें मास्टर डेल पे और मेरे साथी यहाँ हैं, ये शुरू हुआ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन से। मैं उस रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेशन का भी ट्रस्टी हूँ, हमारे विप्लव दा भी उसमें है, उनकी वजह से मुझे मौका मिला। मैं तो उत्तर भारत से आता हूँ, यूपी से, श्री श्री ठाकुर जी के कंसेप्ट और उनके बारे में मुझे अभी पता चला कुछ दिन पहले जब हमारी फाउंडेशन से बात हुई, और मैंने पाया कि क्या 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 चीज़ें उसमें हैं। पहले मेरा ख्याल था कि ये कोई आध्यात्मिक टाइप का मामला है, लेकिन जब मैंने गहराई से उसको पढ़ा तो मैंने देखा ये तो बिल्कुल वो चीज़ें जो हम रोज, जिन सवालों से, जिन चीज़ों से हम रोज जूझ रहे हैं, और ये इतने दिन पहले से, और इतनी बड़ी आर्मी, इतने सारे लोग, इतने सब। तो मुझे लगता है कि हम अपने विचार मंथन में इनको कहीं शामिल करें। अब मैं बात कर रहा था रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव की, तो हमारा दौरा शुरू हुआ विश्व भारती से, उसके बाद अगले दिन हम थे कलकत्ता में मदर टेरेसा, और अब गुवाहाटी में श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी की छाया में। तो मेरे व्यक्तिगत, मेरे अपने तौर पे, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन का हुआ है कि तीन ऐसी महान हस्तियों की, उनके जीवन को, उनके उपदेशों को, उनकी अपनी जन्मस्थली, उनकी अपनी कर्मस्थली, मदर टेरेसा जरूर अल्बेनिया में पैदा हुई थी, लेकिन उनकी कर्मस्थली कलकत्ता में, उनके हम तीनों लोग साथ गए वहाँ, हमने पढ़ा जरूर है इन सब चीज़ों को, लेकिन व्यक्तिगत तो तीन चार दिनों के बीच में ये होना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आई फील दैट टुडे आई एम अ डिफरेंट मैन, आई हैव फाउंड माई पर्पस, एज मास्टर डेल्पे ऑफन tells his disciple that normally the people have two purposes in life, two major milestones in life, one is birth, one is death, but according to Master Delphi there are two other purposes, one that when you recognize your purpose of life, and one when you accomplish it. So I think I can say, I can confess on this holy platform that during this trip, I came to Northeast before many times, but I want to honestly, I am speaking from my heart that today, during this trip, I think I have found the purpose of my life. Today, I am a different man. I made a commitment. I also like to make a commitment that in my own individual capacity, I will certainly try to internalize and implement at least some of the teachings of Shri Shri Anukul Chandra Thakur. Thank you. Manoj Rastogi, you rightly say probably none of us here has got the capability to critically acclaim Sri Sri Thakur's teaching, because his teachings are really, really dynamic.